क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड के कमल हसन का ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से क्या रिश्ता है? ये जानने के लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आई विक्रम फिल्म के प्रमोशन के दौरान कमल हसन ने अपने और दिलीप कुमार के रिश्ते के बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि वो जब छोटे थे तो तकरीबन 15 साल तक उन्हें कोई हिंदी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह 60s का टाइम था। उस समय साउथ में हिंदी फिल्में रिलीज़ नहीं होती थी, इस वजह से उस दौर की बेस्ट फिल्मों को कमल हसन ने मिस कर दिया। कमल हसन जब बड़े हुए तब एक दोस्त ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने गंगा जमुना फिल्म देखी है, तब कमल हसन ने नहीं कहा तो उनका दोस्त बोला कि देखो, वह फिल्म एक्टर्स के लिए ट्रेनिंग की तरह है। इसके बाद कमल हसन ने गंगा जमुना फिल्म देखी और उन्हें वह बहुत पसंद आई, और तब से कमल हसन गंगा जमुना फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के पक्के फैन बन गए। उसके बाद कमल हसन ने दिलीप कुमार की खूब फिल्में देखी, लेकिन उनकी फेवरेट फिल्म गंगा जमुना ही रही। इत्तेफाक की बात रही कि इसके कुछ साल बाद कमल हसन ने हिंदी में अपनी पहली फिल्म एक दूजे के लिए को, जो 1981 में रिलीज़ हुई थी, यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म की सिल्वर जुबली पार्टी में कमल हसन को पता चला कि इस पार्टी में दिलीप कुमार साहब भी आने वाले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्टी में जब दिलीप कुमार आए और उन्हें कमल हसन ने देखा तो वैसे ही वह दौड़कर उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ लिया और मारे इमोशन के रोने लगे। दिलीप कुमार ने उन्हें बधाई दी। कमल हसन ने कहा कि सर, मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। दिलीप कुमार चौंक गए। दरअसल दिलीप कुमार पिछले 6-7 सालों से बॉलीवुड में इनएक्टिव चल रहे थे। उस दौरान उनकी कोई फिल्म नहीं आई थी और कमल हसन कह रहे थे कि उनकी फिल्म देखी, तब दिलीप कुमार ने कहा, मैंने कौन सी फिल्म कर ली? कमल हसन ने कहा कि गंगा जमुना। दिलीप कुमार ने कहा कि वह तो बहुत पहले रिलीज़ हुई थी, लेकिन कमल हसन के लिए वह फिल्म अभी अभी रिलीज़ हुई थी जो उन्होंने देखी थी। इस पर दिलीप कुमार जोर जोर से हंसने लगे, और यह रिश्ता था दिलीप कुमार और कमल हसन के बीच। एकदम हार्डकोर वाला फैन।